मैंने उन्हीं को अभागी के रूप में समझा है जो भगवान से दूर हो गए हैं। केवल संसार से ही जुड़े हैं, सांसारिक सुविधाओं से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है। शंकर जी ने कहा वो अभागी है। एक बात और मैं बता दूं, अन्यथा मत लेना। ग्राम का व्यक्ति सोचता है कि मैंने अपने जीवन में विकास नहीं कर पाया क्योंकि मैंने जयपुर में कोई भवन नहीं बना पाया। ग्राम का व्यक्ति कहता है कि मैंने अपने जीवन में विकास नहीं कर पाया, मैंने दिल्ली में अपना मकान नहीं बनवा पाया। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने मुंबई में अपना मकान नहीं बनवा पाया, कलकत्ता में अपना मकान नहीं बनवा पाया। मैं एक बात बता दूं, बड़े बड़े शहरों में आप अपने भवन बनवा लेंगे तो आप विकासवान हो जाएंगे, विकास किया आपने। लेकिन विकास करना अलग बात है और भगवान को प्राप्त करना अलग बात है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिसने अपने जीवन में भौतिक विकास कर लिया है उसे भगवान मिल गए, उसे वस्तुएं मिल गई, उसको सुविधाएं मिल गई हैं, लेकिन उसे भगवान तो नहीं मिले। भगवान किसे मिलते हैं? ग्रामवासियों उदास मत होना। सबसे ज्यादा मैंने अगर मर्यादा देखी है तो ग्रामों में देखी है, शहरों में मर्यादा नहीं देखी है मैंने। शहरों में तो मर्यादा का पता ही नहीं चलता है कहां चली गई। ज्यों ज्यों मैं ग्रामों में प्रवेश करता हूं त्यों तो मुझे मर्यादा देखने को मिलती है। अगर मैंने गांव में जाकर 80 साल की वृद्ध मां को देखा तो उसके सिर पर भी एक वस्त्र है, मर्यादा का वस्त्र पड़ा हुआ है, सिर उसका ढका हुआ है। लेकिन शहर में आपको महिलाओं के सिर खुले मिलेंगे, बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो सिर ढक के चलती हैं। याद रखना, ये सिर के ऊपर जो पल्लू पड़ा रहता है ये मर्यादा है। ऐसी बात नहीं है कि हम शहर की महिलाओं की कोई निंदा कर रहे हैं, नहीं नहीं, लेकिन बात जो है वो सत्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां ये प्रथा हमें बहुत कम देखने को मिल रही है। ये प्रथा, ये परंपरा रूढ़ी नहीं है, ये परंपरा रूढ़ी नहीं है। याद रखना, सिर के ऊपर अगर पल्लू पड़ा है तो हमने किसी को सम्मान दिया है। किसको सम्मान दिया है याद रखना। कल मैंने सिंदूर की चर्चा की थी, सिंदूर कहाँ रखा जाता है बोलो भाई? सिर पर धारण किया जाता है कि नहीं? और आप देखते हो कि सिंदूर मस्तक से जाता है और सिर के ऊपर से केशों के मध्य में रहता है। बोलो, रहता है ना केशों के मध्य में सिंदूर? याद रखना, ये सिंदूर सुहाग का प्रतीक है, ये सिंदूर शगुन का प्रतीक है, ये सिंदूर मंगल का प्रतीक है। इसलिए आज हमने अगर अपने सिर के ऊपर वस्त्र धारण किया है तो मैंने अपने सुहाग का सम्मान किया है। सिंदूर का सम्मान मानी सुहाग का सम्मान किया है। सम्मान हमें अवश्य ही करना चाहिए, ये हमारी परंपरा है, मर्यादा है। जब भी भगवान का अवतार होगा याद रखना, जहां पर मर्यादा देखने को मिलेगी वहीं पर भगवान का अवतार होगा,
और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, शिक्षा के प्रभाव से व्यक्ति शहरों में रह करके महान बन सकता है, इंसान महान बन सकता है, लेकिन यदि इंसान को भगवान चाहिए तो मर्यादा के प्रभाव से उसे ग्राम की मिट्टी से जुड़ना पड़ेगा, तभी उसे कहीं भगवान प्राप्त होगा। ग्राम की मिट्टी में भक्ति बसी है, ग्राम की मिट्टी में भगवान का वास है। इसलिए जब भी शहरों में बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो मिट्टी किसी ग्राम से मंगाई जाती है। क्यों भाई, शहरों में मिट्टी मिलती नहीं, शुद्ध मिट्टी कहाँ मिल रही है शहरों में? लेकिन मिट्टी कहाँ से मंगाई जाती है? किसी ग्राम में जाना पड़ता है, तब वहां से मिट्टी आती है यज्ञ के लिए। बोलो, मिट्टी में शुद्धता है कि नहीं? जो मिट्टी यज्ञ के लिए गई है उसमें भक्ति बसी पड़ी है कि नहीं? उसमें भक्ति है, भक्ति के प्रभाव से उसको ले जाया गया। अरे, अगर स्वच्छ हवा चाहिए किसी शहर वालों को, तो बोलो, शहर वालों को अगर स्वच्छ हवा चाहिए तो उन्हें कहाँ आना पड़ेगा? जल्दी बोलो, ग्राम में आना पड़ेगा कि नहीं? ग्राम के वृक्षों से संबंध जोड़ना पड़ेगा, तभी उन्हें स्वच्छ हवा मिल सकती है। इतना जरूर भूल हो रही है ग्राम ग्राम में कि हम लोग, पर्यावरण तो हमें शुद्ध मिल रहा है, लेकिन वैचारिक प्रदूषण फैल रहा है, विचारों में तालमेल नहीं बन पा रहा है। यही एक बहुत बड़ी त्रुटि है। अगर ये त्रुटि सुधर जाए कि आपस में वैचारिक तालमेल बन जाए, तो मैं एक ही बात कहता हूं, हर ग्राम तीर्थ बन जाएगा, हर ग्राम धाम बन जाएगा। ऐसा कोई गांव नहीं होगा प्यारे जो तीर्थ की उपमा से उपमित ना किया जाए। लेकिन वैचारिक तालमेल न होने के कारण हम अपने गांव की विडंबना करा रहे हैं। हमारा देश धन्य है, हमारा ग्राम धन्य है, इस देश का हर गांव धन्य धन्य है। धन्य सुदेश जहां बह सुर शरी। जिन जिन शहरों से गंगा जी निकली है, उन शहरों ने गंगा को प्रदूषित किया है। बोलो, किया है कि नहीं किया है? लेकिन जिन ग्रामों से गंगा निकली है, ग्रामों ने प्रदूषित नहीं किया है, शहरों ने प्रदूषित किया है गंगा को। यमुना को किसने प्रदूषित किया है? शहरों ने प्रदूषित किया है, ग्रामों ने नहीं किया है। ग्रामों में केवल वैचारिक प्रदूषण है, बाकी कितना सुंदर स्वच्छ हवा का स्वरूप है, कितना सुंदर पर्यावरण है। स्वास्थ्य लाभ के लिए तो ग्राम सबसे अच्छा है। इसलिए हर ग्राम को राम कथा के माध्यम से वैचारिक प्रदूषण से मुक्त करना है, वैचारिक प्रदूषण से हर गांव को मुक्त करना है। विचारों का तालमेल सुंदर हो जाए, हृदय से हृदय मिल जाए, प्रेम ही प्रेम दिखाई दे, ये महात्माओं का प्रयास होगा। और हर गांव में राम कथा के द्वारा इस परंपरा को हर गांव तक पहुंचाया जाएगा और हर गांव में राम राज्य की स्थापना राम कथा के माध्यम से की जाएगी। हर ग्राम में राम कथा के माध्यम से राम राज्य की स्थापना की जाएगी। ग्राम से मुझे बहुत प्रेम रहता है, ग्राम से मैं बहुत लगाव रखता हूं। प्यारे, धन्य सुदेश जहां बह सुर शरी। धन्य सोनारी पतिव्रत अनुशरी। पतिव्रत धर्म पर चलने वाली नारी है भारत की, और आज भी हम इस बात को समझते हैं, ठीक से जानते हैं कि सबसे ज्यादा
पातिव्रत धर्म की मर्यादा हमें ग्रामों में देखने को मिल रही है। ग्राम से ही शहर बसा हुआ है प्यारे, शहर से निकल के कोई गांव में नहीं आता है, गांव से ही व्यक्ति जाता है शहर में। आबादी क्यों बढ़ गई है शहरों की? ये ग्रामों के कारण ही आबादी शहरों की बढ़ गई है। ग्राम से ही व्यक्ति शहर में जा रहा है। लेकिन मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि अपने साथ संस्कार लेकर के जाना है, भले ही शहर में जाना है लेकिन संस्कार लेकर जाना है। और तुम्हारे कुल परंपरा के जो संस्कार हैं वो तुमसे दूर नहीं होने चाहिए, तुम्हारे साथ सदा रहने चाहिए। कहीं भी रहो लेकिन संस्कार तुम्हारे साथ होने चाहिए। विवेकानंद जी महाराज भारत से शिकागो गए, बोलो क्या लेकर के गए थे? ईमानदारी से बताओ, संस्कार लेकर गए थे। स्वामी विवेकानंद जी क्या लेके गए थे? संस्कार लेकर के गए थे। और याद रखना, पूरा विश्व नतमस्तक हो गया, पूरी दुनिया झुक गई विवेकानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में। किसके बल पर? संस्कारों के बल पर, चरित्र के बल पर। जिस समय उन्होंने शिकागो में एक बिंदु पर अपना संभाषण किया तो वह बिंदु इतना महत्वपूर्ण, जीरो पर कौन बोलेगा साहब, बिंदु पर कौन बोलेगा, जीरो पे क्या बोल सकते हो आप। लेकिन 45 मिनट का वो भाषण था, 45 मिनट का वो उपदेश था, सार गर्भित कि सारी दुनिया नतमस्तक हो गई। लेकिन चरित्र लेकर गए थे। जिस समय विवेकानंद जी से वहां के पत्रकारों ने प्रश्न किया कि भारत में ज्ञान तो बहुत है लेकिन धन कम है, ये प्रश्न था, याद रखना। ज्ञान बहुत है, आप बड़े ज्ञानी हैं, आपने पूरी दुनिया को ज्ञान के बल पर नतमस्तक कर दिया है, ज्ञान का तो बाहुल है, ज्ञानी हैं आप, ज्ञान बहुत है लेकिन धन नहीं है भारत में। विवेकानंद जी ने कहा ये क्या प्रमाण है कि धन नहीं है? कौन कहता है कि धन नहीं है? कहा अगर धन होता तो आप जो वस्त्र पहने हो किसी टेलर को 100-200 रुपया देते वो सिल देता, लेकिन आपके पास इतना भी धन नहीं कि आप अपने वस्त्र सिलवा सको, वस्त्रों का निर्माण नहीं है, आप तो सीधा वस्त्र केवल आप अपना वस्त्र जो है पहने हुए हैं, सिला हुआ नहीं है। वस्त्र का निर्माण तो धन से होता है ना, इसलिए धन के अभाव में आपके वस्त्रों का निर्माण नहीं हुआ है। विवेकानंद जी ने कहा भारत में वस्त्र निर्माण और मकान निर्माण, वस्त्र निर्माण पर भरोसा नहीं करते हैं, भारत में तो चरित्र निर्माण पर भरोसा किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ चरित्र का निर्माण होता है, चरित्र निर्माण का महत्व है। तो बोलो किसका महत्व है, जल्दी बताओ, चरित्र निर्माण का महत्व है, इसलिए हमें चरित्र निर्माण करना है। एक विदेशी महिला ने कहा कि हम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नहीं हैं, भले ही हमारा पश्चिमी सभ्यता में जन्म हुआ लेकिन हम प्रभावित नहीं हैं, हम भारतीय सभ्यता से प्रभावित हो गई हैं, इसलिए भारतीय पुरुष का वर्णन करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि स्पष्ट बताओ कहना क्या चाहती हो? का भारतीय पुरुष का इसलिए वर्णन करना चाहती हूँ क्योंकि चरित्रवान पुत्र होगा, चरित्रवान संतान होगी, और मुझे और कोई ऐसा ज्ञानी भारती नहीं दिखाई देता है आपके अलावा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका ही मैं वर्ण कर लूँ, क्योंकि आप जैसा बुद्धिमान पुत्र मुझे मिलेगा, आप जैसी बुद्धिमान संतान मुझे प्राप्त होगी। विवेकानंद जी ने कहा ये आवश्यक नहीं है कि मेरे साथ आपका विवाह हो और आपको यशवान गुणवान चरित्रवान संतान मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप मुझे ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लो, मैं आपका पुत्र बनने को तैयार। बोलो भाई ये चरित्र है कि नहीं, ये क्या है, करैक्टर ही है, मैं पुत्र बनने को तैयार, इसलिए मैं कहना चाहता हूं
कि भारत जैसा कोई महान देश नहीं है, भारत चरित्रवानों का देश है, भारत बुद्धिमानों का देश है और भारत बलवानों का देश है, भारत भारत है। इसलिए हम भारतीय हैं, हमें अपनी मर्यादा में रहना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। भगवान राम का जन्म भारत की भूमि पर ही हुआ है, आर्यावर्त था उस समय, लेकिन आज भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अयोध्या कहाँ है, बोलो भाई, भारत में है कि नहीं? भारत की सीमा में अयोध्या है। भगवान कृष्ण का भी जन्म कहाँ हुआ है? आज भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो मथुरा में हुआ है, भारत में। भगवान ने लीलाएं कहाँ की हैं? आपके ही क्षेत्र में की हैं, ये ब्रज भूमि है, याद रखना, जहाँ आप रह रहे हो। बोलो भाई, ये भी ब्रज से संबंधित है कि नहीं? क्षेत्र पूरा का पूरा, गिरिराज जी की बड़ी कृपा है इस क्षेत्र के ऊपर, गांव के गांव दर्शन के लिए जाते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए। बोलो भाई, ऐसा कोई गांव मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गांव हो जो गिरिराज जी की परिक्रमा करने न जाता हो। हर गांव से भक्त जाते हैं, पैदल चल के जाते हैं, कीर्तन करते हुए पैदल चल के जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। इसलिए ये ब्रज भूमि है, आप भक्ति की भूमि में रह रहे हैं, आप साधारण भूमि में नहीं रह रहे हैं। याद रखना, यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं है, यहाँ की मिट्टी तो ब्रज रज है, इसे तो माथे से लगाना चाहिए प्यारे। ये ब्रज रज है, ये साधारण नहीं है।